सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री रविंदर शर्मा जी, ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र गुप्ता जी, आज जो हम यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रेस ब्रीफिंग है, ज्यादा बड़ा नहीं है, जो कल से पार्लियामेंट इलेक्शन के एग्जिट पोल दिखाए गए उससे जो है लोगों में अजीब सी मायूसी छा गई है। इसलिए कि जो कांग्रेस पार्टी की कैलकुलेशन है, सर्वे है, और जो पहले से सर्वे दिखाया जा रहा था उस सर्वे के बिल्कुल अगेंस्ट ये एग्जिट पोल चल रहा है। जहां हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, मैंने इलेक्शन शुरू होने से पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन होने के बाद भी आपको दो टोक लफ्ज से कहा था कि इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर की पांच सीटें जीतेगा, और हम आज भी उस बात पे पूरा एतमाद रखते हैं। और हमें जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है, जिन्होंने हमें वोट दिया, उस पर पूरा यकीन है कि हम बराबर उधमपुर की सीट भी कांग्रेस पार्टी ने जो लड़ी और जम्मू की सीट भी एक अच्छी मेजॉरिटी वोट से जीतने जा रहे हैं। जहां तक उधमपुर की सीट का ताल्लुक है, जो हमारा चुनाव रीजन है जिसमें रामबन डिस्ट्रिक्ट है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, उन्हीं तीन डिस्ट्रिक्टों से हम 1,00,000 वोट टचिंग हम लीड वहां से क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें मेरा विधानसभा है बनिहाल। चेक कर लेना, जिस दिन पेटी खुलेगी 45,000 से ज्यादा हमारी लीड होगी वहां से। और ये जो चैनलें बोल रही हैं कि कांग्रेस 0 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1-2, ये तो फिर फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है। लेकिन हमें डेमोक्रेसी पे भरोसा है, लोगों ने वोट डाला है, लोगों ने चौधरी लाल सिंह को भी बड़ी लीड से जिताया है, और रमन बल्ला साहब जो 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियों में, जो इनकी पार्लियामेंट है, 18 की 18 कॉन्स्टिट्यूंसियों में 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसियां छोड़ के सब पे लीड है जो हमारी सर्वे। रियासी की 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों में पूरे डिस्ट्रिक्ट से लीड आ रही है, सांबा से लीड आ रही है, आरएसपुरा सुचितगढ़ से लीड आ रही है, खोड़ और क्या कहते हैं अखनूर माड़ नगरोटा, इन सब कॉन्स्टिट्यूंसियों से लीड है हमारी। और कौन कह रहा है कि ये जो है, ये किसने ये सर्वे बनाया? मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये मैनेज्ड एक जो है, जो मैनेज्ड सिस्टम है उनका, और उन्होंने ये दिया है ताकि हमारे वर्कर्स का मनोबल टूटे। एक साइकोलॉजिकल ऐसा पता खेला है लोगों पे, ताकि लोग अगर वो चोरी भी करे तो लोगों को साइकोलॉजिकल पहले ही पता चले, नहीं जी एग्जिट पोल ऐसा आ रहा है। 2019 में इसी बीजेपी की सरकार ने पुलवामा के नाम पे वोट मांगा, एक वेव क्रिएट करने की कोशिश की, इतना तूफान का वो क्या कहते हैं वो जो है उनका रहा, फिर भी इतनी सीटें नहीं दिखाई किसी चैनल ने। 14 में उनकी वेव थी, फिर भी इतनी सीटें किसी चैनल ने दिखाई। आज तो बिल्कुल घबराए हुए थे प्राइम मिनिस्टर, उनकी उनका फेस इंप्रेशन देख लीजिएगा, सट्टा बाजार का आप सर्वे दिखा देख लीजिएगा। आज जो मुख्तलिफ चैनलें हैं, जो साफ सुथरी चैनलें हैं, जो गोदी मीडिया नहीं है, उनका सर्वे देख लीजिएगा। हम तो यूपी में 50-50% सीटें करने जा रहे हैं, बिहार में 50-50 सीटें करने जा रहे हैं, जहां हमारी एक सीट भी नहीं थी। महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा हमारी सीटें आ रही हैं। और आप देख लीजिएगा, तमिलनाडु में आज तक की सर्वे दिखा रही है कि कांग्रेस 13-15 सीटें सर्वे दिखा रहा है, जहां हम 10 पे ही लड़ रहे हैं, ये सर्वे दिखा रहा है। हम लड़ कम रहे हैं, यहां की लोकल चैनल पता नहीं यहां बैठे होंगे, गुलिस्तान खोले 1-2 बीजेपी दिखा रहे हैं, 1-2 एनसी दिखा रहे हैं,
एक अदर दिखा रहे हैं। अगर आप एक से दो बीजेपी दिखा रहे हो, फिर जीरो से एक तो कांग्रेस भी दिखाओ ना, क्योंकि अगर बीजेपी एक हारेगी तो वो तो कांग्रेस भी जाएगी। और आप न्यूज 18 यहां बैठे हैं, मैं नहीं आपकी चैनल की कोई वो कर रहा हूं कि आप, लेकिन आप सर्वे अपना ठीक कीजिएगा। आप एनडीए को 3 सीटें दिखा रहे हो, कौन सी दिखा रहे हो? 3 कहां है आपके एनडीए की 3 सीटें यहां जम्मू कश्मीर में? तो ये यहां पे हरियाणा की बात है, जी न्यूज 16 से 19 सीटें दिखा रहे, 16 सीटें बीजेपी को, 10 ही है वहां पे, 12 तो 10 बीजेपी के पास ऑलरेडी थी। राजस्थान हमारा न्यूज 24 वाला बीजेपी को 33 सीटें दिखा रहा, जहां 25 ही है वहां टोटल, कब टोटल 25 सीटें वहां 33 दिखा रहा बीजेपी को। और ये जो पासवान की एलजेपी है बिहार में, उसको वो लड़ रहा है 5 सीटों पे, और हमारा ये इंडिया टुडे ग्रुप जो है वो दिखा रहा है 4 से 6 सीटें। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा अमित शाह और आरएसएस ने आपको सर्वे दिया है जो आप दिखा रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये कहूंगा, हमें डेमोक्रेसी पे भरोसा है। कांग्रेस ने 140 साल पहले और उससे 70-80 साल पहले जंग लड़ी है इस मुल्क को आजाद करने के लिए, इस मुल्क में डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए, बाबा राव अम्बेडकर का आईन जो बना है उसको आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा संघर्ष किया है। हमें पूरा यकीन है जब मशीनें खुलेंगी, कांग्रेस की दोनों सीटें जम्मू प्रोविंस जम्मू से होंगी, रमन भल्ला साहब भी जीतेंगे, चौधरी लाल सिंह भी जीतेंगे, मैं वसूख से कहता हूं। और इंडिया अलायंस की जो हमारी एनसी के 3 सीटें हैं कश्मीर में, ऐसा तो दिखाते थे इंजीनियर रशीद जो है जीत रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मैं वहां उमर साहब के साथ मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में जाके कंपेन की। हाँ शहर में हल्ला गुल्ला होता था, इधर भी बसे उधर की बसे जोड़ के बस छात्र पे चढ़े, तकरीर की, दिखाया जी नहीं ना, लेकिन आपका पोलिंग स्टेशन पे बंदे हो जो लोगों को ले जाए, वोट डलवाए, वहां पे एजेंट हो, तो वो तो कांग्रेस और एनसी में ही कैडर मौजूद था। और उस सर्वे के हिसाब से हम कश्मीर की 3 और जम्मू की 2 सीटें ऐलान 4 तारीख को आप देख लेंगे, इंशाल्लाह हम सड़कों पे जश्न मनाएंगे और हम ऐलान ये 2 सीटें जम्मू की जीत रहे हैं। हमारे सारे पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट, हमारे लोग तैयार हैं हर चीज का मुकाबला करने के लिए। और उनको, उन लोगों का कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत करो, इलेक्शन आते जाते हैं, ऐसी चीजें मत करो जो बांग्लादेश में हुई या पाकिस्तान में हुई या रशिया में हुई। इन चीजों से डेमोक्रेसी पे लोगों को भरोसा उठेगा। आज लोग इलेक्शन लड़ रहे थे बीजेपी को हटाने के लिए, लोग चेंज चाहते थे, लोग नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते थे, कोई वेव नहीं थी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की। तो आज आप तोड़फोड़ मजाटी दिखाओगे, कैसे दिखाओगे? ये अच्छा नहीं है। इसलिए कल को गवर्नमेंट चेंज होगी, फिर चन्नों को भी भुगतना पड़ेगा। सही चीज के लिए यही हमारा मैसेज है। पानी साहब, जिस तरह से एक दिन रह गया तो फिर उसमें क्या है, जैसा मर्जी है दिखाए, एक दिन के बाद तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी ना? वही तो हम कह रहे हैं, एक दिन के बाद। लेकिन जो आप मनोबल तोड़ने की बात के लिए ये कर रहे हो, साइकोलॉजिकल प्रेशर एक लोगों के ऊपर बनाने जा रहे हो कि ये जी जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं, ताकि कल को चोरी करे, फ्रॉड करे और उसको पहले से ही उसका जस्टिफिकेशन दे के रखे, तो ये तो हमसे बर्दाश्त ही ना होगा। क्योंकि हमें पता है, जब विक्रमादित्य सिंह लड़ रहे थे 19 में, हमें पता था हम लूज कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद 14 में कांग्रेस की तरफ से लड़ रहा था, हमें पता था। लेकिन आज हमें 100% श्योर है, हम 1 लाख की लीड से जो है उधमपुर जीतेंगे और बहुत बड़ी लीड से हम रमन भल्ला साहब की भी सीट जीतेंगे, हमें पूरा श्योर पता है, हमारी अपनी कैलकुलेशन। तब जाके आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे कि वी आर विनिंग नॉट लूजिंग। जैसे देखो, जो हमारा गारंटी है, जो राहुल गांधी जी ने
दिया था वो गारंटी, और जो हमने स्टेट में जो इशू उठाए जिसमें स्मार्ट मीटर है, जिसमें दरबार मुंह को बहाल करने वाली बातें हैं, जिसमें बेरोजगारी को खत्म करने वाली बातें हैं, बहरहाल इलेक्शन खत्म हुआ, ये सारी बातें आपने बताई है। हमारी सरकार बनती है तो हम सब कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो हमने बताई। सीटों देखो, मैंने कहा आपको कि उधमपुर सीट पे 1 लाख की लीड कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता जो हमने चुनाव से दी, और उसमें आप कुठवा में भी हम लीड कर रहे हैं और उधमपुर में हो सकता है बराबर बराबर हो जाए। सर, आज हमने आम जनता से बातचीत करने की कोशिश की तो एग्जिट पोल के हिसाब से उनका ये कहना था कि आने वाले प्रधान